नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर के आज किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों ने एकजुट होकर के फतेहाबाद में एकत्र हुए और प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। यहाँ पर किसानों ने अपने वाहनों के हॉर्न बजा करके शासन और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि आज महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में आग लगी हुई है। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों के कारण खाद्य सामग्री के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज इतनी महंगाई है उतनी ही आज तक कभी नहीं हुई। सरकार लगातार देश की जनता पर महंगाई का बोझ डाल करके अपने और अपनों के खजाने भरने में लगी है। देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, मगर सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज किसानों ने अपने वाहनों को लेकर के लघु सचिवालय पहुंचे और वहां पर हॉर्न बजा करके शासन और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया ताकि बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर पूरे देश में ये जो मोदी की सरकार ने जिस रूप से तेल के दामों के अंदर 138 बार जिस रूप की है और तेल का जो रेट है वो 100 रुपये उसके मिल क्रॉस कर चुका है महंगाई के खिलाफ में, और ये जो पेट्रोल के डीजल के जो रेट बढ़े हैं, रसोई गैस के रेट बढ़े हैं, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उस उन आंकड़ों के मुताबिक है, मतलब मोदी की सरकार ने पिछले एक साल में जितना टैक्स उसमें इकट्ठा किया है GST का और ये जो कॉरपोरेट का, उससे भी ज़्यादा 5.25 लाख करोड़ रुपए अकेला पेट्रोलियम उत्पादों से वसूल करके न और जनता की खाल उतारी गई है। पर इसके विरोध के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान की जनता त्राई त्राई कर रही है, रोजगार है नहीं, महंगाई सातवें आसमान को छू चुकी है। तो इसके विरोध के अंदर आज किसान मोर्चा ने महंगाई के खिलाफ है और बढ़े हुए तेल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के जो दाम है ये मोदी सरकार वापिस ले, और तो इस सवाल को लेकर आज का ये देशव्यापी कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम के तहत आप देख रहे हैं कि यहाँ फतेहाबाद के अंदर भी सैकड़ों की तादाद के अंदर गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर है, गाड़ियों को लोग कंधे के ऊपर रस्से से खेचने लग रहे हैं। तो ये सारा अपना आक्रोश प्रदर्शन करके ना और मोदी सरकार की नीतियों के अपने विरोध के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो क्या ये फतेहाबाद के अंदर है या पूरे हरियाणा के अंदर है? नहीं, पूरे देश के अंदर, थ्रू आउट इंडिया ही, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर है और गांव स्तर के ऊपर भी, मतलब सब जगह के ऊपर, यहाँ फतेहाबाद के अंदर भी, रतिया में, टोहाना में, भट्टू में, भुन्ना में, दखल में, कुला के अंदर और गांव स्तर के ऊपर भी अनेकों जगह के ऊपर लोग अपने मतलब गाँव में साधन खड़े करके ना रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि 17 जुलाई से जो ये मानसून का सत्र शुरू होगा तो हर रोज 200 लोग पार्लियामेंट पर जाके विरोध प्रदर्शन करेंगे और अलग अलग जत्थेबंदियां जितने भी है, 500 से ज्यादा संख्या है, मतलब उनके उसमें हर रोज 5 नुमाइंदे हर रोज जाएंगे उसके अंदर, और फिर भी मोदी सरकार नहीं मानती है।
तो फिर अगला कार्यक्रम जो भी संयुक्त मोर्चा देगा उसके अंदर सारे हम शामिल होंगे। ठीक है। जनता पर महंगाई का जो बोझ डाला है, अहंकार में चूर मोदी सरकार ने किसानों की आवाज, किसानों की बात, पिछले 7 महीने से जो ज्यादा आंदोलनरत हैं उनकी आवाज नहीं सुन रही। देश की जनता जाग चुकी है, मोदी जी की सरकार को जागना ही पड़ेगा। हमारी पुरजोर मांग है, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, देश भर के किसानों का आंदोलन है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं, ये देश के किसानों का आंदोलन है। और देश के किसानों की आवाज, देश के किसानों की बात मोदी जी को मांगनी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी। आज जो पेट्रोल और डीजल है वो इतना आसमान छू रहा है, देश में 200 शहरों से ज्यादा सभी चारों मेट्रोज में 100 रुपए से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। ये पहली सरकार है जिसने किसान पर, ये पहली सरकार है जिसने किसान पर टैक्स लगाया है, जिसने किसान के ऊपर GST का बोझ डाला है, जिसने वैट लगाया है। ये पहली सरकार है जिसने पेस्टिसाइड पर, जिसने फर्टिलाइजर पर, जिसने LPG पर, जिसने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया है, बाकी सब चीजों पर टैक्स लगाया है। तो हमारी पुरजोर मांग है कि मोदी सरकार अपने अहंकार छोड़िए, जनता की बात सुनिए, किसानों की बात सुनिए, आपको किसानों की बात माननी ही पड़ेगी।